शांति 18 सितंबर 2022, अव्यक्त बाप दादा मुरली रिवाइज डेट 15 अप्रैल 1992, मधुबन ब्राह्मणों की दो निशानियां, निश्चय और विजय आज बाप दादा चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की विशेष दो निशानियाँ देख रहे हैं ब्राह्मण अर्थात निश्चय बुद्धि और निश्चय बुद्धि अर्थात विजयी तो हर एक ब्राह्मण निश्चय बुद्धि कहाँ तक बने हैं और विजयी कहाँ तक बने हैं क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है निश्चय और निश्चय का प्रमाण है विजय तो निश्चय और विजय दोनों की परसेंटेज एक है या अंतर है रिजल्ट क्या देखी होगी निश्चय की परसेंटेज सभी ज़्यादा अनुभव करते हैं और विजय की परसेंटेज निश्चय से कम अनुभव करते हैं जब किसी से भी पूछते हैं कि निश्चय कितना है तो सभी कहते हैं सौ परसेंट और निश्चय की निशानी विजयी कितनी है उसमें सौ परसेंट कहेंगे आपका स्लोगन निश्चय बुद्धि विजयंती फिर निश्चय और विजय में अंतर क्यों निश्चय और विजय दोनों निशानियाँ समान होनी चाहिए ना लेकिन अंतर क्यों है इसका कारण क्या कोई भी फाउंडेशन जब पक्का किया जाता है तो उस स्थान को चारों ओर एटेंशन देकर पक्का किया जाता है अगर चारों ओर में से एक कोना भी कमज़ोर रह जाए तो का रहेगा या हिलता रहेगा ऐसे ही निश्चय का फाउंडेशन चारों ओर अर्थात विशेष चार बातों का संपूर्ण निश्चय चाहिए वह चार बातें पहले भी सुनाई हैं एक तो बाप में संपूर्ण निश्चय जो है जैसा है जो श्रीमत जैसे बाप की दी हुई है उसी विधि पूर्वक यथार्थ जानना मानना और चलना दूसरी बात अपने श्रेष्ठ स्वामान संपन्न श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा स्वरूप को जानना मानना और चलना तीसरी बात अपने श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार को यथार्थ विधि से जो जैसा है वैसे जानना मानना और चलना चौथी बात सारे कल्प के अंदर इस श्रेष्ठ पुरुषोत्तम युग व समय को उसी महत्व से जानना मानना और चलना इन चारों बातों में जो अटल निश, निश्चय बुद्धि है और चारों में संपन्न परसेंटेज हैं तो उसको कहेंगे संपूर्ण यथार्थ निश्चय बुद्धि यह चारों ही निश्चय के फाउंडेशन के स्तंभ हैं सिर्फ एक बाप में निश्चय है और तीनों बातों में से कोई भी स्तंभ कमज़ोर है सदा मजबूत नहीं है कभी हिलता कभी अचल होता है तो वह हलचल हार खिलाती है विजयी नहीं बनाती कोई भी हलचल कमज़ोर बना देती है और कमज़ोर सदा विजयी बन नहीं सकता इसलिए निश्चय और विजय में अंतर पड़ जाता है बाप दादा के सामने बहुत बच्चे भोले बन कर के रू रूहान करते हैं कि हमें निश्चय तो पूरा है बाबा में आपका और आप मेरे हो यह पक्का है सौ परसेंट तो क्या पाँच सौ परसेंट निश्चय है लेकिन हलचल भी है फिर मनाने के लिए कहते हैं आप तो हमारे हो ना पक्का कराते हैं बहुत भोली बातें करते हैं मैं जो हूँ जैसी हूँ आपकी या आपका हूँ तो बाप भी कहते हैं आप जो हो जैसे हो मेरे हो लेकिन बाप जो है, जैसा है आपका है भोला बनना अच्छा है दिल से भोले बनो लेकिन बातों में और कर्मों में भोले नहीं बनो दिल के भोले भोला नाथ के प्यारे हैं बातों में भोले स्वयं को भी धोखा देते तो दूसरों को भी धोखा दे देते और कर्म के भोले अपना भी नुकसान करते हैं तो सेवा का भी नुकसान करते हैं इसलिए दिल से भोले बनो बिल्कुल सेंट ऐसे बोलो सेंट अर्थात आत्मा महान आत्मा सेंट अर्थात महान आत्मा लेकिन बातों में त्रिकालदर्शी बन करके बात सुनो और बोलो कर्म में हर कर्म के परिणाम को नॉलेजफुल होकर जानो और फिर करो ऐसे नहीं कि होना तो नहीं चाहिए था लेकिन हो गया बोलना नहीं चाहिए था लेकिन बोल लिया इससे सिद्ध है कि कर्म के परिणाम को ना जान भोलेपन में कर्म कर लेते हो ऐसे नहीं समझो कि हम भोले हैं इसलिए ऐसे हो जाता है ऐसे अपने को छुड़ाना नहीं है दिल का भोला सबका प्यारा होगा तो समझा भोला किस में बनना है तो निश्चय और विजय को समान बनाने की विधि क्या हुई चारों तरफ चारों बातों का समान परसेंटेज वाला निश्चय हो कई बच्चे और क्या कहते हैं कि बाबा आप में तो निश्चय है लेकिन अपने आप में इतना निश्चय नहीं है कभी होता है कभी अपने में निश्चय कम हो जाता है फिर उनों की भाषा क्या होती है एक ही गीत गाते हैं पता नहीं पता नहीं पता नहीं पता नहीं ऐसे क्यों होता है पता नहीं मेरा भाग्य है पता नहीं बाप की मदद मिलेगी व नहीं पता नहीं सफलता होगी व नहीं जब मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो इस निश्चय में कमी है तब पता नहीं पता नहीं का गीत गाते हो और तीसरे फिर क्या कहते हैं कि बाबा हमने तो आपको देख करके सौदा किया आप हमारे हो हम आपके हैं इस ब्राह्मण परिवार से हमने सौदा नहीं किया ब्राह्मण परिवार खिटपिट, खिटकिट खिटखिट है आप ठीक हो ब्राह्मणों के संगठन में चलना मुश्किल है एक आपसे चलना सहज है तो बाप दादा क्या कहेंगे बाप दादा मुस्कुराते हैं ऐसे बच्चों से बाप दादा का एक प्रश्न है क्योंकि ऐसी प्रसन्न चित्त नहीं रहती प्रश्न बहुत करती हैं ये ऐसा क्यों ऐसा होता है क्या तो वह चित्त आत्मा नहीं है प्रश्नचित्त आत्मा है बाप दादा भी उन्हों से प्रश्न करते हैं कि आप आत्मा मुक्ति धाम में रहने वाली हो या जीवन मुक्ति में आने वाली हो मुक्ति में रहना है फिर जीवन मुक्ति में आना है ना तो जीवन मुक्ति में सिर्फ बाबा ब्रह्मा होगा या राजधानी होगी सिर्फ ब्रह्मा और सरस्वती राजा रानी होंगे जीवन मुक्ति का वर्षा पाना है ना आप लोग चैलेंज करते हो कि आदि सनातन धर्म और अन्य धर्म में सबसे बड़ा अंतर है वो सिर्फ़ धर्म स्थापना करते हैं और आप धर्म और राज्य दोनों की स्थापना कर रहे हो यह पक्का है ना? धर्म की स्थापना और राज्य की स्थापना कर रहे हो ना? तो राज्य में क्या होगा सिर्फ़ एक राजा एक रानी होंगे एक राजा रानी और आप एक बच्चा या बच्ची बस ऐसा राज्य होता है तो हमें राजधानी में आना है यह याद रखो राजधानी में आना अर्थात ब्राह्मण परिवार में संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना श्रेष्ठ संबंध में आना अभी बाप दादा पूछेंगे सभी से कि आप माला में आना आने चाहते हो या कहेंगे माला से बाहर रह गए तो भी ठीक है हर्जा नहीं है माला में आना है चाहे एक सौ आठ में आओ चाहे सोलह हजार में आओ लेकिन आना है वह नहीं हाँ जी फिर अभी ब्राह्मण परिवार से क्यों घबराते हो जब कोई बात होती है तो क्या कहते हो हमारा तो बाबा है बहने क्या करेंगी भाई क्या करेंगे हमने भाई बहनों से वायदा नहीं किया है लेकिन यह ब्राह्मण जीवन शुद्ध संबंध का जीवन है माला की जीवन है माला का अर्थात है, है ही संगठन ब्राह्मण परिवार के निश्चय में अगर कोई संशय आ जाता है व्यर्थ संकल्प आ जाता है तो वह निश्चय को डगमग कर देता है हलचल में लाता है बाबा अच्छा ज्ञान अच्छा लेकिन ये दादियाँ अच्छी नहीं टीचर्स अच्छी नहीं परिवार अच्छा नहीं यह निश्चय बुद्धि के बोल हैं उस समय निश्चय बुद्धि कहेंगे कि संकल्प बुद्धि कहें व्यर्थ संकल्प चित्त बुद्धि रहने नहीं देते तो समझा निश्चय की विशेषता क्या है चौथी रू रिहान करते हैं वह फिर कहते हैं समय श्रेष्ठ है पुरुषोत्तम युग है आत्मा परमात्मा के मेले का युग है यह सब मानते हैं फिर क्या कहते हैं अभी थोड़ा समय तो है ही है इतने में विनाश तो होना नहीं है यह तो स्थापना के समय से कहते आए हैं कि विनाश होना है दूसरी दिवाली नहीं आनी है तो विनाश की बातें तो स्थापना के समय से चल रही हैं विनाश कहते कहते कितने वर्ष हो गए अभी भी पता नहीं विनाश कब हो थोड़ा सा अलवे के आलस्य के ढीले पुरुषार्थ के डनलप में तकिए में आराम कर लें समय पर ठीक हो जाएंगे बाप को भी यह पक्का कराते हैं कि आप देखना हम समय पर बहुत नंबर आगे ले लेंगे लेकिन बाप दादा ऐसे बच्चों को सदा सावधान करते हैं कि समय पर जागे और समय प्रमाण परिवर्तन किया तो यह कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन समय के पहले परिवर्तन किया तो आपके पुरुषार्थ में यह पुरुषार्थ की मार्क्स जमा होंगी और अगर समय पर किया तो समय को मार्क्स मिलेगी आपको नहीं मिलेगी तो टोटल रिजल्ट में अलबेले या आलस्य के नींद के कारण धोखा खा लेंगे यह भी कुंभकर्ण की नींद का अंश है बड़ा कुंभकर्ण नहीं है छोटा है फिर उसको क्या हुआ अपने को बचा सका नहीं बच सका ना तो अंत समय में अपने को फुल पास के योग्य नहीं बना सकेंगे समझा कभी कैसी रू रूहान करते हो कभी बहुत हिम्मत की भी बातें करते हो कभी नाज नखरे की करते हो और कभी खिटपिट की करते हो आज इस वर्ष के सीज़न का संपन्न है समाप्ति नहीं कहेंगे संपन्न हो रहा है इसलिए रिजल्ट सुना रहे हैं तो अभी क्या करना है चेक करो कि निश्चय के फाउंडेशन के चारों ओर मजबूत हैं या चारों में से कोई भी बात में मजबूत होने के बजाय बातों के कारण मजबूर हैं यह चेक करो अभी फिर तपस्या करनी है ना पहले भी सुनाया कि प्यार का सबूत देना है और प्यार का सबूत है समान बनना और दूसरी बात क्या करनी है यह वर्ष का होमवर्क दे रहे हैं एक वर्क तो सुना दूसरी बात अपने चारों ओर के फाउंडेशन को पक्का करो एक भी बात में कमजोरी नहीं हूँ तभी माला के मण के बन पूज्य आत्मा व राज्य अधिकारी आत्मा बनेंगे क्योंकि ब्राह्मण सो देवता बनना है सिवाय ब्राह्मण के देवता नहीं बन सकते ब्राह्मणों से निभाना अर्थात दैवी राज्य के अधिकारी बनना तो परिवार से निभाना पड़ेगा हलचल को समाप्त करना पड़ेगा तब निश्चय और विजय दोनों की समानता हो जाएगी यह अंतर मिटाने का महामंत्र है चारों ओर मजबूत होना है चार ही निश्चय की परसेंटेज समान बनाना है समझा होमवर्क स्पष्ट हुआ ना, अच्छे स्टूडेंट हो ना, या कहेंगे कि अपने सेंटर के होम में गए प्रवृत्ति के होम में गए तो होम में ही होमवर्क रहकर रखकर रख कर आए ऐसे तो नहीं कहेंगे ना होशियार स्टूडेंट की निशानी क्या होती है होमवर्क में भी नंबर वन तो प्रैक्टिकल पढ़ाई में भी नंबर वन क्योंकि मार्क्स जमा होती है अच्छा और क्या रिज़ल्ट देखी वर्तमान समय बच्चों की दो होशियारी देखी अपनी होशियारी तो जानते होंगे ना पहली होशियारी क्या देखी स्वा को देखना और पर को देखना स्वदर्शन चक्रधारी बनना या प्रदर्शन चक्रधारी बनना दो बातें हैं ना? मेजॉरिटी किस में होशियार हैं बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि कई बच्चों की नज़दीक की नज़र बहुत तेज हो हो रही है और कई बच्चों की फिर दूर की नज़र बहुत तेज़ हो रही है लेकिन मेजॉरिटी की दूर की नज़र तेज़ है नज़दीक की नज़र कुछ ढीली है देखना चाहते हैं लेकिन स्पष्ट देख नहीं पाते हैं और फिर होशियारी क्या करते हैं कोई भी बात होगी तो अपने को सेफ रखने के लिए दूसरों की बात बड़ी करके स्पष्ट सुनाएंगे अपनी बड़ी बात को छोटा करेंगे और दूसरी की छोटी बात को बड़ा करेंगे यह होशियारी मेजॉरिटी की देखी दूसरी होशियारी क्या देखी आजकल एक विशेष भाषा बहुत यूज़ करते हैं कि हमसे असत्य देखा नहीं जाता असत्य सुना नहीं जाता इसलिए असत्य को देख जो जु झूठ जु को सुन करके अंदर में जोश आ जाता है तो यह भाषा राइट है अगर वह असत्य है और आपको असत्य को देख जोश आता है तो जोश सत्य है या असत्य है जोश भी तो असत्य है ना? हम यह करके दिखाएंगे यह चैलेंज करना राइट है यह सदैव याद रखो कि सत्यता की निशानी क्या है जो स्वयं सत्यता पर है और असत्य को खत्म करना चाहता है लक्ष्य तो बहुत अच्छा है लेकिन असत्यता को ख़त्म करने के लिए अपने में सत्यता की शक्ति चाहिए आवेशता या जोश यह सत्यता की निशानी है सत्यता में जोश आएगा तो अगर झूठ को देख करके मुझे गुस्सा आता है तो राइट है कोई आग लगाएगा तो सेक नहीं आएगा कि सेक प्रूफ हो सकते हैं अगर हमें नॉलेज है कि असत्यता की आग है और आग को सेक होता है तो पहले अपने को सेफ करेंगे ना कि सेक में थोड़ा सा जल भी जाए तो चलेगा हर जा नहीं तो सदैव यह याद रखो कि सत्यता की निशानी है सभ्यता अगर आप सच्चे हो सत्यता की शक्ति आप में है तो सभ्यता को कभी नहीं छोड़ेंगे सत्यता को सिद्ध करो लेकिन सभ्यतापूर्ण अगर सभ्यता को छोड़कर असभ्यता में आकर के सत्य को सिद्ध करना चाहते हो तो वह सत्य सिद्ध नहीं होगा आप सत्य को सिद्ध करना चाहते हो लेकिन सभ्यता को छोड़ कर के अगर सत्यता को सिद्ध करेंगे तो जिद हो जाएगा सिद्ध नहीं असभ्यता की निशानी है जिद और सभ्यता की निशानी है निर्माण सत्यता को सिद्ध करने वाला सदैव स्वयं निर्माण होकर सभ्यता पूर्वक व्यवहार करेगा समझा दूसरी होशियारी ऐसे होशियार नहीं बनना तो यह भी होमवर्क है कि ऐसी होशियारी को छोड़कर निर्माण बनो बिल्कुल निर्माण मैं राइट हूँ यह रॉन्ग है यह निर्माणता नहीं है दुनिया वाले भी कहते हैं कि सत्य को अगर कोई सिद्ध करता है तो कुछ न कुछ समाया हुआ है कई बच्चों की भाषा हो गई है मैं बिल्कुल सच बोलता हूँ सौ प्रतिशत सत्य बोलता हूँ लेकिन सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है सत्य ऐसा सूर्य है जो छिप नहीं सकता चाहे कितनी भी दीवारें कोई आगे लाए लेकिन सत्यता का प्रकाश कभी छिप नहीं सकता सच्चा आदमी कभी अपने को यह नहीं कहेगा कि मैं सच्चा हूँ दूसरा कहे कि आप सच्चे हो अच्छा अभी क्या करेंगे स्वपरिवर्तन परिवर्तन करना दूसरे के परिवर्तन की चिंता नहीं करना इसको शुभ चिंतक नहीं कहा जाता फिर कहते हैं हम चिंता नहीं करते हैं शुभ चिंतक हैं ना? लेकिन स्वाह को भूल कर दूसरे के शुभ चिंतक बनना इसको शुभ चिंतक नहीं कहा जाता है सर्व के साथ पहले स्वह होना चाहिए स्वाह नहीं और सर्व के शुभ चिंतक बनने चले तो तीर नहीं लगेगा सफलता नहीं मिलेगी पहले स्व और स्व के साथ सर्व यही बाप दादा का बच्चों से दिल का प्यार है प्यार की निशानी है कि प्यार करने वालों की कोई कमी देख नहीं सकते कोई कमी सुन नहीं सकेंगे उसको भी संपन्न बनाएंगे यह है दिल का सच्चा प्यार बाप दादा दिलवाला है इसलिए दिल का प्यार है हर एक बच्चे को समान और श्रेष्ठ देखना देखने चाहते हैं हर एक बच्चे को सफलता मूर्त देखना चाहते हैं मेहनत मूर्त नहीं सफलता मूर्त अच्छा चारों ओर के सदा निश्चय बुद्धि श्रेष्ठ आत्माओं को सदा निश्चय और विजय को समानता में लाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा समान में रहे स्वपरिवर्तन और सर्व के परिवर्तन के यथार्थ कल्याण की भावना रखने वाली आत्माओं को सदा बाप के समान बन प्यार का सबूत देने वाली आत्माओं को सदा यथार्थ रू रिहान कर व्यर्थ बातों को समाप्त करने वाली आत्माओं को दिलवाला बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते वरदान नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले स्वपरिवर्तक परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक भव कोई भी संकल्प व संस्कार सेकेंड में नेगेटिव से पॉजिटिव में परिवर्तन हो जाए इसके लिए सारे दिन में ट्रैफिक ब्रेक का अभ्यास चाहिए क्योंकि व्यर्थ व नेगेटिव संकल्पों की गति बहुत फास्ट होती है फास्ट गति के समय पावरफुल ब्रेक लगाकर परिवर्तन करने का अभ्यास करो तब स्वयं को व्यर्थ को परिवर्तन कर स्वपरिवर्तक सो विश्व परिवर्तक बन सकेंगे तथा अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा अनेक आत्माओं को सुख शांति का वरदान दे सकेंगे स्लोगन ड्रामा के ज्ञान को स्मृति में रखने वाली ही नथिंग न्यू की विधि से विजयी बन सकते हैं ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ